हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं बूलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप। बट आज जो हम देखने वाले हैं वो चेंज ये है कि हम इसे अब पोस फॉर्म में देखेंगे। पोस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जैसे हम पहले फंडामेंटल प्रोडक्ट ले रहे थे और उनका सम कर रहे थे, अब हम फंडामेंटल सम लेंगे और उनका प्रोडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर जो एक वेरिएशन होगा वो ये होगा कि हम ग्रुपिंग किसकी करने वाले हैं, ज़ीरो की ग्रुपिंग करेंगे हम, जीरोस की। ठीक है, बाकी जो हमारी स्टेप्स थी वो सेम रहेगी कि हम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम उसके ग्रुप्स बनाएंगे और हम देखेंगे जो भी चेंजिंग वाला वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल को क्या कर देंगे हम, एलिमिनेट। चेंजिंग वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक, इस केस में हम क्या करेंगे, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो होगी तो हम उसे एज इट इज लिखने वाले हैं, बट यदि किसी वेरिएबल की वैल्यू वन होगी तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट करके लिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की रखी हुई है सबसे पहला काम, फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड हम फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो ये जो है अपने को एक्सप्रेशन दी हुई है और यहाँ पर क्योंकि वन और थ्री ही है तो हम यहाँ पर 2x2 का के मैप बना लेंगे दो वेरिएबल्स का। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया ए, यहाँ बी, 0101। आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है क्योंकि इसमें हम डोंट केयर वाली कंडीशन भी देखने वाले हैं। तो ये जो है ये सोप फॉर्म में भी हो सकता है, तब हम नहीं देख पाए थे तो आज हम देखेंगे इसको। तो इसे ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरी देखना। चलिए, तो ये जो कैपिटल एम है ये डिनोट करता है आपकी मैक्स टर्म को जो कि होती है ज़ीरो, मतलब इन लोकेशंस पर आपको क्या रखना है, ज़ीरो। तो वन यानी कि ज़ीरो और वन वाला अपना कॉम्बिनेशन बन गया। और दूसरा थ्री, थ्री को लिखते हैं वन वन, तो बाकी लोकेशंस पर हम लिख देंगे वन। अब क्योंकि हमने बात क्या की थी, ग्रुपिंग किसकी होने वाली है यहाँ पर, जीरोस की, तो हम यहाँ पर ये जीरो की ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हमें क्या देखना है, ये देखो यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज हो रही है बट बी की वैल्यू स्टेबल है। तो हमारी जो एक्सप्रेशन यहाँ से निकल कर आने वाली है वो एक्सप्रेशन क्या होगी, बी पर वन को हमें कैसे लिखना है, बार करके। तो ये हो जाएगा अपना बी बार। सो आई होप ये फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है जिसको हमने क्या किया, के मैप से सॉल्व किया है, ये समझ में आया होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं विद द सेकेंड वन। यहाँ पर आपका सेवन तक जा रहा है, मतलब आपके तीन वेरिएबल्स होंगे मिनिमम। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल्स ले लिए, यहाँ पर हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल एट। एक ले लिया हमने ए, दूसरा बी सी, 0100, 0101, 1010। ये चेंजेस क्यों हुए, ये हमने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई थी के मैप के बेसिक्स के बारे में, तब हमने डिस्कस किया था। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसे देख करके आए पहले और फिर इसे कंटिन्यू करें, ये आपको बहुत क्विकली समझ में आएगा। अब ये जो लोकेशंस दी हुई हैं, क्योंकि कैपिटल एम है मतलब इन लोकेशंस पर जीरो आने वाला है। तो यदि मैं बात करूं तो ये है 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7। तो ये चार जगह हमने रख दिए जीरो, बाकियों पर रख दिए हमने वंस। अब यदि हम बात करें ग्रुप बनाने की, तो सबसे पहला टास्क होता है जितना बड़ा ग्रुप बन रहा है उतना बड़ा बनाओ। तो यहाँ पर जो अपना ग्रुप बन रहा था वो बन रहा था एक क्वाड, तो हमने ये ले लिया है। इस क्वाड के लिए हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर आपकी जीरो से वन पर जाते वक्त एक ही वैल्यू तो चेंज हो रही है। ठीक है, और यहाँ यदि हम देखें तो कौन सी वैल्यू स्टेबल है, यहां पर जो वैल्यू स्टेबल है वो है बी की, और यहां पर भी क्या आ रहा है अपना बी बार, सॉरी, हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू वन आ रही है और अगर वन है उस केस में आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। सो यहां पर भी हमने क्या किया है, क्वाड लिया है और उसकी भी एक्सप्रेशन बाय डिफॉल्ट से दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रही है, लेकिन जो यहाँ पर ग्रुप बने हैं वो अपने डिफरेंट थे। ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स, मतलब आपका जो के मैप था दो वेरिएबल का था, ये तीन वेरिएबल का के मैप है।
अब फाइनली हम देखने वाले हैं आपका के मैप, जिसमें हम डोंट केयर की कंडीशन देखेंगे। देखिए गाइस, अभी तक जो हमने कंडीशंस देखी थी वो ये थी कि यदि अपने को यहाँ पर पाई कैपिटल एम लिखा है, इसका मतलब है कि कैप जीरो, और यदि सिग्मा और स्मॉल एम लिखा होता तो उसका मतलब होता मेन टर्म, मतलब कि वन, तो हम स्पेसिफाइड लोकेशंस पर वन रखते। लेकिन कैपिटल एम के केस में हम इन लोकेशंस पर क्या रखते हैं? जीरो। तो यहाँ तक पहले हम बना लेते हैं, फिर हम डोंट केयर को डिस्कस करेंगे। इसको देख के कैडबरी याद आ जाती है, नहीं? चलिए, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो लोकेशंस दी हुई है जीरो पुट करने के लिए वो है, एक तो आपकी जीरो, दूसरी थी टू, तो टू यानी ये वाली, ठीक है, फिर सिक्स, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी ये वाली, और ये तो सेवन्थ है, ठीक है। तो ये जो तीन लोकेशन दी, इन पर आपको क्या पुट करना था? जीरो, ठीक है। और ये जो डी है, डी का मतलब होता है डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब है कि ये मैप में इस लोकेशन पर आप जीरो रखें या वन, डजेंट मैटर। तो डोंट केयर को जनरली डिनोट किया जाता है क्रॉस, या फिर हम एक्स कह सकते हैं इसको, एक्सेस है, ठीक है। तो ये जो डी है किस लोकेशन पे दिया है? फोर्थ पे। फोर्थ लोकेशन कौन सी है आपकी? ये वाली, तो यहाँ पर हम रख देंगे क्रॉस, और बाकी जो है उन सब लोकेशंस पर हम रख देंगे वन। क्यों वन रखना है? क्योंकि आपको जो मैक्स टर्म है वो बता दी गई है, हम ग्रुपिंग भी मैक्स की करेंगे, और जो स्पेसिफाई नहीं है वहाँ पर वन पुट करेंगे। तो अब यदि हम देखें तो जो अपना ग्रुप बन सकता है वो ये दो जीरो का एक पेयर बन जाएगा, और ये वाला जीरो एक सिंगल बन रहा है। बट ये जो डोंट केयर है, इससे हमें एक लिबर्टी मिल जाती है यहाँ पर, कि हम इस डोंट केयर को जीरो भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, यहाँ जीरो लिखने की बजाय इसको मान लेते हैं डायरेक्ट कि ये है जीरो। तो आपका एक पेयर ये बन सकता है और दूसरा पेयर ये। बट हमें एक चीज़ और पता है कि यदि हम रोलिंग में ले जाएंगे इसको, तो ये हमारा क्वाड बन जाएगा, राइट? तो क्वाड के केस में क्या होगा कि जो अपना बिगर ग्रुप है वो बनने वाला है यहाँ पर। एंड जनरली हमने बात की थी कि हम फोकस किस पर करेंगे? बिगर ग्रुप पर। तो फिर हम अभी वही करने वाले हैं, यहाँ से रोलिंग में ले जा करके हम ये क्वाड बना देंगे। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपकी एक ही वैल्यू चेंजिंग थी, तो ए तो आना नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। बी और सी में से किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सी की वैल्यू सी इक्वल्स टू जीरो पर फिक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम फटाफट से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें जो एक्सप्रेशन है वो सिंगल वेरिएबल के अलावा भी कुछ आ रहा हो, ताकि आपको वो भी समझ में आए। चलिए, तो हम फटाफट से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपको ग्रुप्स अलग अलग जब होते हैं, अभी तो एक ही ग्रुप बना है तीनों के केसेस में, बट जब मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं तो हम कैसे अपनी एक्सप्रेशन लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया फटाफट 01। तो हमने यहाँ पर क्विकली इनकी इंडेक्सिंग कर दी है, और यहाँ पर 1, 3, 6, 7 और 13th लोकेशन पर जीरो प्लेस कर दिया है, बाकियों पर हम लिख देंगे वन, ठीक है। पर अभी हम ग्रुपिंग इसकी जीरोस की ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये किस में निकाल रहे हैं? अपनी एक्सप्रेशन पोस्ट फॉर्म में। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर ग्रुपिंग ओनली जीरोस, और हम वन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। वन पर हम कब फोकस करेंगे? जब हम सोप फॉर्म में निकालेंगे एक्सप्रेशन, राइट? तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम। एक पेयर ये बन रहा है, ठीक है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये भी बन रहा है, लेकिन ये दोनों ऑलरेडी जब इंक्लूड हो चुके हैं तो अननेसेसरी हमें पेयर नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अब यदि ये जीरो देखें तो ये कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आपका सिंगल रह जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जब हम एक्सप्रेशन लिखने की बारी आएगी तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले मान लो सिंगल वाला एक ग्रुप है अपना, तो अभी हमने बात की कि अगर वन है तो हमें क्या करना है? उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए और बी दोनों वन थे तो इनका कॉम्प्लीमेंट, यहाँ क्योंकि पोस्ट फॉर्म में निकाल रहे हो तो आपको इनके बीच में प्लस पुट करना है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर कॉलम में जाएं तो सी आपका जो है वो जीरो है, इसलिए वो बिना इन्वर्शन के आएगा, मतलब उस पर बार नहीं लगेगी।
और डी जो है उस पे फिर से बार आ जाएगी। ये एक ग्रुप बन गया आपका। दूसरा ग्रुप कौन सा था इन दोनों में से कोई भी, तो हम फर्स्ट वाला ये ले लेते हैं पहले। इसमें यदि देखें तो ए और बी दोनों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। क्या थी? ए और बी बिना बार के लिखा, क्योंकि दोनों की वैल्यू जीरो है। फिर अब देखें तो कौन स्टेबल है, तो डी स्टेबल है आपका। तो सी क्योंकि चेंज हो रहा है हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, और डी की वैल्यू वन है इसलिए इस पर बार आ जाएगा। तीसरा ग्रुप बना ये वाला। इसमें क्या आ रहा है? ए बी पे आएगा बार, प्लस यहाँ देखें तो सी फिक्स है वन पर, डी चेंज हो रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर दो। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें ये मिल रही है इस पर्टिकुलर के मैप के लिए। सॉरी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर आपका जीरो था, जीरो के केस में हमने क्या किया है, ये सभी को नोट डाउन करेंगे हम चारों को। ए और बी दोनों आपने बार करके लिख दिए। सी की वैल्यू क्योंकि क्या थी यहाँ पर, जीरो, तो सी एज इट इज लिखा है, और डी की वैल्यू वन होने के कारण डी भी कॉम्प्लीमेंट किया है। पेयरिंग में फिर हमने ये ले लिया, ए बी की वैल्यू जीरो जीरो थी तो दोनों बिना कॉम्प्लीमेंट किया है, और यहाँ पर डी जो है वो स्टेबल है तो हमने डी लिखा। डी की वैल्यू वन थी तो डी बार लिखा। सी क्योंकि चेंज हो रहा था तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। एंड थर्ड ये वाला आपका पेयर था, इसमें हमने क्या किया, ए की वैल्यू जीरो है तो ए इज इट इज, बी की वन थी तो बी पे बार, और जो स्टेबल था वो था सी और उसकी वैल्यू थी वन तो सी पर भी बार। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि इनमें आपस में प्लस लग रहा है और डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में डॉट्स लग रहे हैं, जबकि सोप फॉर्म में इनके बीच में डॉट्स थे और डिफरेंट ग्रुप्स में प्लस था। सो ये था एक आपका मेजर चेंज और बेसिक्स कि यदि पोस्ट फॉर्म में आपसे कहा जाए एक्सप्रेशन लिखने का तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।